ये स्मैकडाउन मेरी वर्स्ट शोज इन हिस्ट्री की लिस्ट में आई थिंक नंबर 1 और 2 पे रह सकता है। इट वॉज सो बैड। और इसको और बुरा बनाने के लिए, मतलब ये टॉप 2 में आता भी नहीं मेरी लिस्ट में, लेकिन इसको और बुरा बनाने के लिए हुआ क्या, इस वीडियो का जो रिव्यू बनाया, इस शो का जो मैंने रिव्यू बनाया था उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसीलिए दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा सिर्फ ऑडियो ओनली रखते हैं, भाई फेस तो मत ही दिखाओ ऐसे शोज के लिए। तो क्या एस्टिमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन, एंड मजा आएगा दोबारा से वही चीज रिपीट करने में जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूं लेकिन किसी ने सुना नहीं, ना कहीं रिकॉर्ड हुआ, एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट हाँ, स्मैकडाउन वाज टेरेबल, इट वाज माय एस ब्रो। मतलब मैं इसको स्टार रेटिंग इतनी गंदी देने वाला हूं, आप सोच भी नहीं सकते। आप कहोगे कि अरे भाई इतना क्या, लेकिन हाँ हो सकता है भाई, सबका अपना अपना रिव्यू है। आप हो सकता है 5 में से 5 स्टार दे दो, हो सकता है कि आपको बहुत मजा आएगा प्रिटी डेडली को देखने में, तो इसलिए 5 दे दिए। लेकिन हर कोई बंदा ऐसा नहीं है, हर किसी का अलग अलग रिव्यू है, दैट्स व्हाई वो रिव्यू है, अदरवाइज तो वो फैक्ट होता। तो इसीलिए शुरुआत करते हैं उसोस के प्रोमो से, जहां पर हमें उसोस का एक बड़ा, मैं कहूंगा कि गुड प्रोमो देखने को मिला, जहां से बड़ा अच्छा एस्टैब्लिशमेंट हुआ ऑफ दीज ब्रदर्स फॉर ब्लडलाइन सिविल वॉर। सिविल वॉर के लिए हमें थोड़ा ऐसा भी तो देखना है कि हाँ उसोस का पलड़ा भारी है। अभी तक के लिए ऐसा लग रहा है कि सिंस रोमन रेंस इज द चैंपियन, तो इसीलिए उसकी टीम का बहुत डोमिनेंस है। बट मैं ये कहूंगा कि उसोस व्हेन इट कम्स टू टैग टीम्स काफी ज्यादा यू नो इफेक्टिव है अगेंस्ट रोमन रेंस और सोलो सेकोवा, और काफी टाइम चैंपियंस रह चुके, तो ऑफकोर्स यू नो कि हाँ ये क्या कर सकते हैं। बट नाउ दैट दे आर ऑन द सेम पेज, अभी कोई और उनको इफेक्ट करने को नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है मेंटली, एंड उनको दिखाना है कि भाई यू नो रियल फैमिली में ट्राइबल चीफ कौन है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आज के इस प्रोमो से मैं ये कहूंगा कि इट वॉज डेफिनेटली गुड। बट हाँ, अगर यहाँ पर रोमन रेंस और सोलो सेकोवा फेस कर देते, इवन जस्ट रोमन रेंस भी होते, देन दैट वुड हैव बीन परफेक्ट, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे, यानी कि एक आज की स्मैकडाउन थी और एक नेक्स्ट वीक की, नेक्स्ट वीक की आपको पता है कि स्पेशल ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ द चैंपियनशिप्स एंड ऑल, तो इसीलिए आप इस हफ्ते वाली स्मैकडाउन में कुछ अलग कर सकते थे, लेकिन आपने उतना भी नहीं जहमत उठाई, आपने कहा कि छोड़ो यार बच्चे पागल हैं देख ही लेंगे स्मैकडाउन, तो उसी तरीके से हम लोगों ने देख भी ली और आप लोग बिल्कुल सही थे। हम हार गए, WWE जीत गए, WWE 1 क्राउड 0, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसी रीजन की वजह से मैं कहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा लैग किया। अगर ब्लड लाइन सिविल वॉर जैसा कोई टाइटल मिल रहा है किसी मैच को, दैट मीन्स कि वो मैच स्पेशल है, दैट मीन्स कि उसका जो बिल्ड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसे में अब एक हफ्ते के बिल्ड से देखते हैं क्या करने वाले हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर रोमन रेंस का फैक्टर लैक किया। एले नाइट ने रे मिस्टीरियो को हराया ब्यूटीफुल तरीके से लास्ट में, मैं तो भूल ही गया था कि यार एले नाइट इस तरीके से भी मैचेस जीत सकता है। अब एले नाइट बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्लोली ब्रिस्कली वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, एंड आई एम लविंग इट। अगर ऐसे में बंदा ब्रीफकेस भी जीत जाए तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली। इवन दो यू आर अ लोगन पॉल फैन, आप यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो एले नाइट को। और बंदे का मेरे को समझ में नहीं आया, बाद में उसने मास्क उतारने की कोशिश करी, वाई आप इस राइवलरी में घुसना चाहते हो, क्यों आप सांतोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो से पंगे लेने वाले हो जब आपके पास बड़ी चीजें प्लान्ड है ऑलरेडी, आप चैंपियनशिप्स के लिए जा सकते हो, लेकिन नहीं, आपको क्या है, आपको चाहिए छोटी छोटी राइवलरीज, ठीक है, फिर हमें मत कहना कि पुश नहीं मिल रहा। खैर, उसके अलावा सोलो सेकोवा ने स्पाइक जो मारा बैक स्टेज में रिज होलैंड के, ओए होए होए, उससे ये एस्टैब्लिश हो गया, क्योंकि अभी तक तो उसोस का था, लेकिन अभी हुआ सोलो सेकोवा का एस्टैब्लिशमेंट कि लास्ट वीक जो भी हुआ उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर कोई है तो सोलो सेकोवा को है, क्योंकि रोमन रेंस को तो फर्क नहीं पड़ता, रोमन रेंस तो आए भी नहीं, तो इसीलिए गुस्से वाला बंदा इस समय कोई है तो वो सोलो सेकोवा ही है। और अगर रोमन रेंस का गुस्सा अगर आपको हमें दिखाना है तो हमें प्रूव कर दो रॉन्ग और ले आओ उन्हें टीवी स्क्रीन पर, लेकिन नहीं है ना हिम्मत तुम्हारी टीवी स्क्रीन पर लाने की। खैर, जिसकी वजह से सोलो सेकोवा वर्सेस शेमस का मैच अनाउंस हुआ मेन इवेंट के लिए, विच वाज टेरिबल आइडिया बिकॉज ब्लड लाइन सिविल वॉर के लिए जा रहे हैं, रैंडमली और पुटिंग शेमस वर्सेस सोलो फॉर नो रीजन एट ऑल, अगेन एक बंदे के ना आने से कितना कुछ इफेक्ट हो सकता है ये आपको दिख रहा है। और मैं रोमन रेंस के ना आने के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि बंदा ना आए क्योंकि वो पार्ट टाइमर है और हमारे पास एक वर्ल्ड चैंपियन ऑलरेडी है सेथ रॉलिंस जो कि वर्क हॉर्स है, और हमें ये वाला जो है बिग वर्ल्ड चैंपियन की फील देगा रोमन रेंस अगर कभी कभी आएगा तो। लेकिन अगर राइवलरी में ऑलरेडी है, मैच है,
नेक्स्ट वीक, तो ऐसे में आप एक हफ्ते पहले मिस कर रहे हो तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। तो इसीलिए मेरे को लगा आज रोमन रेंस का होना बहुत ज़्यादा खला, जिसकी वजह से स्मैकडाउन बड़ी टेरिबल लगी। यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप्स भी हो चुकी हैं बिकॉज शायना बेसलर एंड रोंडा राउजी ने हरा दिया आयला डाउन एंड एल्बा फायर को चैंपियनशिप्स के लिए। अब चार चार टाइटल्स हो चुके हैं, आई थिंक इनका भी कलर चेंज हो जाएगा। अगेन क्रिएटिविटी कोई नहीं रहेगी, चोरी होगी और वाइट कलर वाइट स्ट्रिप्स पे ऊपर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का पिक्चर चिपका देंगे एज एक्सपेक्टेड। और उसके बाद रकेल रोड्रिग्वेज आती है और इतने एटीट्यूड के साथ आती है बंदी, जैसे पता नहीं कहीं की ब्रॉक लेसनर होगी। मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई इस बात का एटीट्यूड कहाँ से आता है। आप उनके एक्शन से देख सकते हो कि हाँ शी इज जस्ट ट्राइंग टू बी समवन, और वो समवन कौन है हमें नहीं पता, लेकिन मत बनो, आप जो हो वही रहो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लिव मॉर्गन का रिटर्न होता है एंड दोनों ने चैलेंज कर दिया है रोंडा राउजी एंड शायना बेसलर को। एंड जो भी हो, नो मैटर द रिजल्ट, नो मैटर द मैचेस कितने होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे रोंडा राउजी और शायना बेसलर के पास ही टैग टीम टाइटल्स रहनी चाहिए, उसके अलावा तो कुछ नहीं भाई। बाय द वे दैट मैच वॉज मैह, मेरे को तो उतना कुछ खास पसंद आया नहीं जो अभी देखने को मिला टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। उसके अलावा ग्रेजन वॉलर इफेक्ट देखने को मिला, ओ माय गॉड, माय फेवरेट सेगमेंट ऑफ टुनाइट। एटलीस्ट कुछ चीज़ें थी जिसने मेरे को स्मैकडाउन में जगाए रखा, दिस वाज वन ऑफ दोज। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर गलती से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कन्फर्म हो चुका है, इन फ्यूचर प्रिडिक्शन कह रहा हूँ मैं, जस्ट इन केस नॉट कन्फर्म येट, बट अगर मैं प्रिटी डेडली का फैन बनता हूँ तो क्या आप चैनल अनसब्सक्राइब तो नहीं करोगे? बिकॉज मेरे को लग रहा है कि शायद से मैं उस डायरेक्शन में बढ़ चुका हूँ। यस बॉय, भाई बंदों की प्रेजेंटेशन भले ही थोड़ी बहुत अनऑर्थोडॉक्स होगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज माइक पे बवाल मचाया, एंड आई एम ऑलवेज बिन द गाय जो कि अगर आपने माइक पे मेरे को इम्प्रेस कर दिया तो बहुत मुश्किल होता है मेरे को उससे हटना। सीएम पंक इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। सीएम पंक कितने ही कांड कर ले, मैं सीएम पंक की तरफ हमेशा रहता हूँ बिकॉज उसने माइक पर मेरे को ऐसा इंप्रेस कर रखा है कि नहीं हट पाता यार, पता नहीं आदत है। तो ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि ये लोग करने वाले हैं, नॉट जस्ट हिम, और उनके साथ जो वो ऑस्ट्रेलियन बंदा बैठा था ग्रेसन वॉलर, वो भी, उसने तो खैर पहले से एनएक्सटी से इंप्रेस कर रखा था, बट प्रिटी डेडली बॉय ओ बॉय दे आर एब्सोल्यूटली गुड। और मार्क माय वर्ड्स, अगले 2 साल के अंदर उन्होंने चैंपियनशिप ना जीती तो मेरा नाम बदल देना, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू विन द टाइटल्स। और उसके अलावा प्रिटी डेडली ने ऑफकोर्स स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी हरा दिया, तो बेसिकली अच्छे वक्त उनके लिए ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। शार्लेट फ्लेयर ने लेसी एवंस को हराया, भाई ये लेसी एवंस का मेरे को कभी समझ में नहीं आता। लेसी एवंस फॉर मी शी इज वन ऑफ दोज सुपरस्टार्स की हाँ यार आज आई तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद आएगी, यानी कि जब भी मैच होगा 1 साल के बाद तो वो रिटर्न मैच होगा। आज फिर से देखने को मिल गई, अब देखना फिर 1 साल बाद तुम्हें कभी देखने को मिलेगी, ये क्यों आ रही है? आज हार गई तो चलो, अब हार गई तो उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। बट उसके बाद आस्का ने शार्लेट को अटैक किया, एंड ये इनके बीच भी मैच है जिसमें कि शार्लेट अगर जीतती है तो वो 15-time चैंपियन बन जाएगी। हो यू नो व्हाट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, अब क्योंकि टूटना ही है, मैं चाहता हूँ कि शार्लेट फ्लेयर अब तोड़ ही दे, क्योंकि अब तो कोई पॉइंट ही नहीं है ये सोचने का कि क्या शार्लेट तोड़ेगी, नहीं ये है ही नहीं। अब तो ये सोचो कि क्या शार्लेट 32-33 तक पहुंच पाएगी, क्या डबल कर पाएगी, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। एनीवेज, फाइनली शेमस वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच आता है, जो कि मैं कहूँगा कि गुड मेन इवेंट व्हेन इट कम्स टू एटलीस्ट फिजिकल एबिलिटीज, बट क्योंकि इसका ना सर था ना पाँव था, जस्ट बिकॉज रिज हॉनल्ड को स्पाइक पड़ गया था इसीलिए मैच हुआ है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अनइम्प्रेस था और अनइम्प्रेस्ड और हो गया जब हमें पता चला कि जो पिछवाड़ा मारा है सोलो सिकोवा ने, वो बेचारे शेमस को लगा भी नहीं बैरिकेड में और रेफरी ने फिर भी बंद करवा दिया, सो दैट वॉज डेफिनेटली टेरिबल। तो मैं उसके डेफिनेटली अगेंस्ट था, तो इसलिए मेरे को ये बुरा लगा। बट हाँ, उसोज ने आके अटैक कर दिया सोलो सिकोवा को, इसीलिए मैंने रेटिंग बढ़ाई है। दो चीज़ों की वजह से रेटिंग बढ़ाई है, इस स्मैकडाउन को मैं 0 देने वाला था, बट प्रिटी डेडली की वजह से 1 एंड बिकॉज ऑफ उसो एंड सोलो सिकोवा 2, तो टोटल जो है 2 रेटिंग देता हूँ मैं आउट ऑफ 5। और कमेंट्स में डेफिनेटली आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या थॉट्स रहेंगे इस स्मैकडाउन के लिए, क्या आपको भी बोरिंग लगी जस्ट लाइक मी, कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।